What's up people? Welcome back to another blog. And जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग 3 जनवरी को नेपाल राइड के लिए निकल रहे हैं. And today is 30 December, Thursday. And I hope ये वाला ब्लॉग जब आप लोग देख रहे होंगे मैं नेपाल राइड के लिए निकल चुका हूँ. तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. की आप लोगों को पता है मैं नेपाल राइड की प्रिपरेशन में बहुत सारे एक्सेसरीज एंड GoPro Hero 9 खरीदा था, तो उसका अनबॉक्सिंग अभी तक मैंने नहीं किया. सो अभी जाके तो मुझे थोड़ा टाइम मिला है अनबॉक्सिंग करने के लिए. चलो आप लोगों को दिखाते हैं मैं GoPro Hero 9 के साथ और क्या क्या एक्सेसरीज खरीदा, किसका कितना प्राइस है एंड थोड़ा सा टेस्ट राइड भी करके आ GoPro Hero 9 के साथ. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो ये है GoPro Hero 9. सो इसको पहले अनबॉक्सिंग करते हैं. इस बार GoPro ने अच्छा किया, 9 और 10 में एक केस दिया है ऐसे. सो कैरी करने में बहुत अच्छा होगा. सो यू कैन सी हियर, अरे निकलते कैसे है. 2000 years later. GoPro Hero 9 एंड इसके साथ यहाँ पर मिलता है एक चार्जिंग केबल और डेटा केबल, एक क्लिप और यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज एंड वन स्क्रू. उसके बाद नेक्स्ट है इसको बोलते हैं GoPro Hero 9 का केस एंड ये उलंजी का है जो कि एक ब्रांड है. सो ये कुछ इस तरह से है. सो इसमें आपका GoPro फिट हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर माइक एडाप्टर लगता है जो कि है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ. सो ये हो गया GoPro Hero 9 का केस जो उलंजी का है. सो उसके बाद है मेन चीज़, इसके बिना आपका क्रिस्पी क्लियर ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा. सो ये है GoPro का माइक एडाप्टर. सो ये कुछ इस तरह से होता है, खोलते कहाँ से, इधर से खोलते हैं. सो बहुत ही छोटा सा नन्ना सा लेकिन बहुत ही कॉस्टली, क्योंकि ये GoPro का ही है. यू कैन सी द ब्रांड लोगो हियर, ये GoPro का ही है एंड ये बहुत ही कॉस्टली आता है. कितना आता है मैं बाद में आप लोगों को बताता हूँ. और उसके बाद जो आपको क्रिस्पी क्लियर ऑडियो के लिए चाहिए एक एक्सटर्नल माइक. सो यू कैन सी आई हैव ब्रॉट ओसाका का लेवलर माइक्रोफोन. ओके सो अभी मैं प्राइसिंग आप लोगों को बताता हूँ कौन सा चीज़ कितना लिया है. माइक्रोफोन से स्टार्ट करते हैं. इसका प्राइस है 1500 रुपीज. में दो क्वालिटी आता है, एक 900 रुपीज का, एक 1500 रुपीज का. सो ये 1500 रुपीज का, क्योंकि इसका 5 मीटर का वायर है. सो आप अगर 1.5 मीटर का वायर लेंगे तो 900 रुपीज ऐसा कुछ आता है. सो नेक्स्ट है ओलांजी का केस, इसका आया 1600 रुपीज़. सो नेक्स्ट मैं एडाप्टर का बात बोल रहा था, इसके बिना आपका जो माइक है, आपका जो ए वाला माइक है वो GoPro में सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसबी ए GoPro में कनेक्ट होता है एंड यहाँ पर आप लोगों को दो पोर्ट दिखाई दे रहा है, एक 3mm जैक का. सो ये वाला 3mm माइक यहाँ पर अटैच हो जाएगा. सो इसका प्राइस है 4500 रुपीज़. कभी कभी ये 3500 में भी ऑनलाइन में मिल जाता है, लेकिन अभी इसका प्राइस बहुत हाई है. अभी ऑनलाइन में भी इसका प्राइस 4500 रुपीज़ है. एंड एट द लास्ट मेरा GoPro Hero 9, और इसका प्राइस मुझे पड़ा 37000. ऑनलाइन में भी ऐसे ही कुछ चल रहा है एंड मैं लेने के लिए गया था GoPro 8, लेकिन स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका प्राइस भी थोड़ा हाई है अभी मार्केट में. सो मुझे ये पड़ा 37000 में. तो चलो अभी इसका सेटअप करते हैं एंड सब लगा के एक टेस्ट राइड में चलते हैं. ओके गाइस, सो यू आर वॉचिंग थ्रू GoPro राइट नाउ एंड आप लोगों को व्यू कैसा आ रहा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताना. अगर कुछ भी एडजस्ट करना होगा तो मैं कर लूँगा. अभी फ़िलहाल मैं घर से निकला हूँ एंड मुझे कुछ काम भी करवाना है बाइक का. सो अभी वहीं पे जा रहे हैं एंड आज का वेदर इतना क्लियर नहीं है, पता नहीं आप लोगों को वीडियो में समझ में आ रहा है कि नहीं. बहुत ही फॉगी वेदर है दो दिन से जो सूरज मामा है निकला ही नहीं, लगता है बर्फ़ गिरने वाला है. व्यूइंग एंगल का कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, हो सकता है माइक का कोई इशू होगा, क्योंकि माइक मैंने थोड़ा दूर सेट करके रखा है ताकि वॉइस फटे ना. बाद में जब मैं एडिटिंग करने बैठूंगा तब मुझे पता चलेगा साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा बाद में. बाइक में फ्यूल भी कम है, रिफ्यूलिंग भी करना पड़ेगा. सो फिलहाल मैं जा रहा हूँ लखनदा के दुकान में, वहाँ पर जाके बाइक का थोड़ा काम करवाना है. जैसे गुवाहाटी में मेरा है बापीदा, वैसे ही कोकराझार में हम लोगों का है लखनदा, जो मस्त काम करता है बाइक का. इधर आने से ना ट्रैफिक का सीन रहते ही है हमेशा.
चलो तो फिर आके पहुंच चुके हैं लखनदा के दुकान में। निकलो जल्दी। सो अभी जाना है बाइक को वॉश कर लेते हैं एंड आगे मेरा एक फ्रेंड भी रुके हुए है तो उसको लेके चलते हैं बाइक वॉश करने। खुरुंग भाई ये हमेशा याद रखना चाहिए, एकदम बढ़िया जगह पर पोस्टर लगाया है, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगर आप लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे तो ऐसा होगा उसके बाद वो गाड़ी के जैसा होगा। एकदम बढ़िया जगह पर ये पोस्टर है। चलो सो थोड़ा पहले मैं व्यूइंग एंगल चेक कर रहा था, ठीक था। सो अभी पता नहीं साउंड का क्या सीन हो रहा है। सो ये तो मुझे एडिटिंग के टाइम पे ही पता चलेगा साउंड कैसा आ रहा था। क्या मक्खन रोड बना दिया है, बटरी रोड। सो आके पहुंच चुके हैं बाइक वॉशिंग सेंटर पे। 3000 नहीं, 3000 तो पूरा खर्चा गया, पूरा मतलब प्रिपरेशन का खर्चा गया। इसका अराउंड 50,000। हेयर गाइस आवर टर्नो गोइंग टू बी रेडी, अभी नहला धुला के पूरा साफ कर देंगे। सो गाइस बाइक का काम हो चुका है फिनिश। प्रीतिश कार एंड बाइक वॉशिंग सेंटर जो कि है बागानचली रोड में। सो यहाँ पर आके विजिट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से वॉश करते हैं भैया, आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। वेल गाइस बाइक का वॉशिंग हो चुका है कंप्लीट एंड अभी जाते हैं थोड़ा फ्यूल अप करते हैं। फ्यूल लो दिखा रहा है सो जाके फ्यूल अप कर ले। 9532। सो अभी जा रहे हैं, सामने एक फ्लाई ओवर है वहाँ से घूम के आते हैं थोड़ा। कोकराझार का मोस्ट फेमस फ्लाईओवर। ओ क्या पोज है फोटोग्राफी का। सो अभी मैंने अपना फ्रेंड को ड्रॉप कर दिया उसके घर पे। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर एंड आई होप आप लोगों को ये वाला व्यूइंग एंगल एंड साउंड क्वालिटी अच्छा लगा होगा GoPro Hero 9 का। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो एक वीडियो को एंड अगर कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट डाउन बिलो। आप लोग अगर कमेंट करके बोलेंगे तो मैं इंप्रूव कर सकूंगा। ओके अभी चलते हैं घर एंड आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ड्रीम हाई एंड मेक इट ट्रू। चलो बाय बाय।